नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि राजकेश, हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में। दोस्तों जितने भी छात्र यहाँ पे बिहार में जो बीएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बीएड एडमिशन के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से यहाँ पे होने वाला है उसका डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कब से कब तक आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, साथ में आप लोग का जो परीक्षा तिथि है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक आप लोग का जो एग्जाम है वो यहाँ पे लिया जाएगा। इस बार भी जो आप लोग का नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया दोस्तों, वो आप लोग का एलएनएमयू को यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आप लोग का सारा काम होने वाला है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। तो कब से जो है आप लोग का बीएड एडमिशन के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होगा उसके बारे में आप लोग यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। साथ में अगर आप जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कब से आप लोग का जो परीक्षा वहाँ पे लिया जाएगा वो भी मैं आप लोग वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये जो है बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की तरफ से आप लोगों का दोस्तों यहां पे जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है कंप्लीट स्टडी गाइड यहां पे जो है लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप जो है बिहार बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाला है। इस बुक में आप लोग को जो है 2100 से ज्यादा जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, यानी कि जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग वहां पे देखने को मिल जाएगा। साथ में आप लोग का जो है 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेगा। 2022 में जो आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ था वो भी आप लोग वहां पे देखने को मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन सहित जो है आप लोग वहां पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप लोग का बुक बनाया गया दोस्तों वो आप लोग का न्यू पैटर्न पे, न्यू सिलेबस जो आप लोग वहां पे जारी किया गया है उस सिलेबस के आधार पे आप लोग का ये जो बुक है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसमें जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न तो मिलता है, साथ में यहाँ पे चैप्टर वाइज आप लोग का जो पूरा थ्योरी होता है वो भी आप लोग वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है आप लोग का पूरा जो है टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है, जो भी टॉपिक आप लोग का बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है सारा टॉपिक जो है कुछ इस तरीके से पे जो है आप लोग का कवर किया गया। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से आप लोग का जो बुक है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा और नीचे जो है आप लोग का इसका जो आंसर है वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख पाओगे आप लोग का जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इससे जो है आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाला है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जो है इस बुक को खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग जो है ऑफलाइन स्टोर से भी अपना ये बुक खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि ये जो चक्षु प्रकाशन का बुक है और चक्षु प्रकाशन की तरफ से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आप लोग का बुक है वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो वैसे छात्र जो यहाँ पे इस बार जो है बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं सत्र 2023-25 के लिए, उनका जो आप लोग का डेट है वहां पे जारी कर दिया गया है कि कब से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग का इसी वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि एलएनएमयू के थ्रू जो आप लोग यहाँ पे बीएड का एग्जाम है वो यहाँ पे होने वाला है। सारा कुछ यहाँ पे जो एलएनएमयू के थ्रू यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इसको ही आप लोग का नोडल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाया गया है। अब इसके लिए जो है कब से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होगा उसके लिए जो आप लोग का सूचना वहां पे जारी कर दिया गया है तो वो मैं आप लोग वहां पे दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग वहां पे जो है आज के पेपर में जानकारी दिया गया है कि सीईटी बीएड के लिए 20 फरवरी से 15 मार्च तक आवेदन की तिथि। यानी दोस्तों यहां पे क्या है कि आप लोग का जो आवेदन का डेट है वो जारी कर दिया गया है। बीएड एडमिशन के लिए जो आप लोग का ऑनलाइन आवेदन है वो 20 फरवरी से यानी कि एक दो दिन बाद आप लोग का जो आवेदन है वहां पे शुरू कर दिया जाएगा, और 15 मार्च तक आप लोग का जो आवेदन है वो यहां पे चलने वाला है। साथ में आप लोग का जो परीक्षा का तिथि है वो भी यहां पे जारी कर दिया गया कि 8 अप्रैल के बाद जो आप लोग का परीक्षा है वो यहां पे लिया जाएगा। नीचे आप लोग का जानकारी दिया गया कि किस तरीके से इस बार जो आप लोग का एडमिशन है वो यहां पे होने वाला है। यहां पे बताया दोस्तों कि राज्य के 14 विश्वविद्यालय के 343 कॉलेज में 37,500 सीटों पर 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए एलएनएमयू ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश में 2 वर्षीय सीईटी बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया गया, जो कि मैंने आप लोग को यहां पे वेबसाइट दिखाया था। ये जो वेबसाइट है ये आप लोग का बना दिया गया है और इसी के थ्रू आप लोग का ऑनलाइन आवेदन यहां पे लिया जाएगा। यहां पे आप लोग का जो वेबसाइट है उसका यहां पे लिंक भी दिया गया है। यहां पे आप लोग का नीचे बताया गया दोस्तों कि इस वेबसाइट पर जाकर जो है 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 15 मार्च है। विलंब शुल्क के साथ जो है 16 मार्च से 20 मार्च तक यहां पे जो अभ्यर्थी है वो यहां पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहां पे कुछ लेट फाइन देकर जो है आप जो है 16 से 20 मार्च तक यहां पे आवेदन जो है उसको यहां पे कर पाइएगा। यहां पे जानकारी दिया गया दोस्तों कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार 16 मार्च से 20 मार्च तक कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड 30 मार्च से डाउनलोड किया जा सकेगा, यानी कि 30 मार्च से आप लोग का जो यहाँ पे एडमिट कार्ड है उसको यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और जो आप लोग का परीक्षा की संभावित तिथि है, यानी कि अभी जो है आप लोग का एग्जैक्ट यहाँ पे तिथि नहीं जारी किया गया है, लेकिन जो आप लोग का परीक्षा का संभावित तिथि यहाँ पे बताया जा रहा है वो जो है 8 अप्रैल आप लोग का निर्धारित की गई है, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोग का जानकारी दिया जा रहा है कि 8 अप्रैल से आप लोग का जो परीक्षा है वो यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आप आवेदन कीजिएगा तो उसमें कितना शुल्क आप लोग का लगने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दे दोस्तों कि इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी से 15 मार्च तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि आवेदन शुल्क इस प्रकार है, सामान्य श्रेणी के लिए जो है 1000 रुपया आप लोग का लगने वाला है, ईडब्ल्यूएस महिला बीसी एवं ईबीसी के लिए जो है 750 रुपया आप लोग का शुल्क लगने वाला है, और एससी एसटी के लिए 500 रुपया आप लोग का जो शुल्क है वो यहाँ पे लगने वाला है। यानी कि बिना लेट फाइन का आप लोग का अगर जनरल से आप आते हैं तो 1000 रुपया यहाँ पे शुल्क देना होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर महिला या फिर बीसी कैटेगरी से ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ऐसे में 750 रुपया आप लोगों को यहां पे करना होगा, अगर आप एससी एसटी वाले कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 500 रुपया यहां पे जो है पे करना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पे जानकारी दिया गया। आप बीएड एडमिशन के लिए यहां पे इंतजार कर रहे थे तो अभी जो है आप लोगों को यहां पे आवेदन का डेट आ चुका है, 20 फरवरी से 15 मार्च तक आप आवेदन कर पाइएगा। 2 दिन में आप लोगों का जो आवेदन है वहां पे शुरू कर दिया जाएगा। जब भी आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को यहां पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको इस वेबसाइट पे आना है तो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।